नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आपका पूनम्स किचन एंड लाइफ स्टाइल में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन का चीला, जिसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया था और करीब 3 कप पानी में इसको मैंने घोल दिया है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, मैंने इस तरीके से रखा है ना, बहुत ज़्यादा पतला ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा, जैसा कि मतलब घोल इसी तरीके से होना चाहिए जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको ऐसे ही रखनी है। और अभी इसमें हम थोड़े सब्जी भी काट के डालेंगे। तो जैसा सब्जियों मैंने लिया है, गाजर, टमाटर और लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, ये सब चीज़ें मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी और इसमें मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद 1 घंटा इस घोल को रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसे हम सेकना शुरू करेंगे। और जिस समय हम सेकना शुरू करेंगे, उसी समय इसमें थोड़ा सा नमक मैं डाल दूँगी। अजवाइन इसमें डालना ज़रूरी होता है, मैंने डाल दिया है वो। तो अभी मैंने नमक डाल दिया है। और फ्रेंड, मैं बेसन आपको नहीं दिखा पाई, उसके लिए सॉरी। घोल बनाते समय मैं आप को मतलब वो वीडियो उस समय नहीं शूट कर पाई थी, इसलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, समझ में आ गया होगा। और देखिए, तवा गर्म हो गया, उस पर मैंने रिफाइंड ऑयल डाला और उस पर इसमें बैटर को डाल दिया है। और इस चीला को आप छोटा, बड़ा, थोड़ा मोटा या पतला अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, मतलब जैसा आसानी हो मोटा पतला या बड़ा बनाने में। तो ये देखिए, इस तरीके से दोनों तरफ से सेकना है। 2 से 3 मिनट लगता है इसको पकने में। तो हाई लो फ्लेम करते हुए आप इसको इस तरीके से सेक लें। और कलर देखिए, ऐसा कलर अगर आ जाए तो समझिए कि चिल्ला पक चुका है। और इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें धनिया की चटनी के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।